हेलो गाइस, टू लेटेस्ट दिले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति पोमो। तो मैं आ गई हूँ घर। पीछे व्यू देखे आपको पता चल ही गया होगा, और मेरा गला बैठ गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, पापा बैठने ही नहीं देते, थोड़ी सी हालत ख़राब है। पर पापा ने बोला चलो चलते हैं खेत जाके आते हैं। तो मैं पापा के साथ आई हूँ और पापा रफ्तार में जा रहे हैं आगे। ये देखो वो जा रहे हैं पापा, और कुछ इस तरह का व्यू है अभी। और खेतों में भी मटर वगैरह पौधा लगना शुरू हो गया है, और यहाँ पे लेट मटर लगाया हुआ है शायद, और ऐसे ही है। अभी मैं और पापा जा रहे हैं ऊपर, हमारे मड हाउस का काम चल रहा है, तो उसका जो ईंट वगैरह है उसको पानी देने के लिए जा रहे हैं। हाय, तो ये बुखार है ना, ऊपर से इतनी गर्मी लग रही है मुझे। तो चलते हैं। अबा कूद। और इसके अंदर होता है एक मीठा सा कुछ खाने को, उसको ऐसे तोड़ते हैं ऐसे करके। मधुमक्खी वगैरह ने इसमें मीठा मीठा डंग बनाया होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने कंस्ट्रक्शन एरिया पे। लेट मी शो यू। और ये चल रहा है काम। और यहाँ पे पापा और जेके का घर चल रहा है इंस्पेक्शन, की सारा काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर 5 जैसे घर बनने हैं, बट अभी 2-3 ही बने हैं, एक हॉल और 2 कमरे बने हैं, और 3 अभी बनना बाकी है। पापा जी क्या चल रहा है? चेता सिमरा यमन चला हिंदी ले, हिंदी ला, पानी दे रहा हूँ। अच्छा थालो क्या भाव बाकी सीमेंट ये है टॉयलेट और वॉशरूम, इसलिए सीमेंट का बनाया हुआ है। ये है कमरा, और यहाँ से देखने को मिलेगा पूरा व्यू। और मैंने भी काम किया है, ऐसा मत सोचने कि मैंने पानी दिया ही नहीं, मैंने किया था, पर पापा ने वो वीडियो अच्छे से नहीं बनाई, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम जा रहे हैं घर वापस, और पानी वगैरह दे दिया है। और ये हमारा मटर का खेत है, ज़्यादा ही जल्दी आ गया है शायद, इसको ज़्यादा जल्दी लगी है मटर देने की। और अभी मैं और पापा घर वापस चले, मुझे रेस्ट करेंगे और खा लेंगे, सफाई करेंगे, ठीक है। आप जो ले छे अबा जो ले छे सुला जे पर जे विजुअल छे जे बाबा एटीट्यूड देख रहे हो लट्टू के।
पूरे रूम की खस्ती हालत हो गई है और समझ करें सफाई। हमारे घर से कुछ इस तरह का व्यू है। और देखिए चोट बुरा और मिट्टी देख रहे हो। पूरे अच्छे से रूम की सफाई करेंगे हम लोग। यह हमारा किचन। पता नहीं यार इधर करना इनको भी कैसे डर जाते हैं माँ बाप। किचन की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। इधर देखो क्या कर सकते हैं। बच्चे यहाँ धो रहे हैं चूल्हा तू इधरा कुछ मैं मारूंगी यहाँ पे झाड़ू फिर पोछा करेंगे हम। हमारी दीदी आ गई हम इनसे खाना बनवाएंगे। पापा स्वागत कर रहे हैं आज का। बना पोछा हुआ तक वगैरह साफ करेंगे अब हम। अंदर भी हो रहा है फोड़ दे खुद को दे जो टेंशन कोई ना फोड़ दे तुरु ओ पीपली मुझे तुरंत से गोरा पा नमन तक वो मेरा दी जॉब जो ना। रूम की सफाई हो गई है पूरी। वहां पे हमारा नन्नू बैठा हुआ है और ये है किचन का हाल। इसको यहाँ पे बिठाया हुआ है और लंच वगैरह भी हो गया है। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मेरा जो माइक था ना उसका डालने के लिए छोटा सा डब्बा था वो गुम हो गया है। पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ा। मैंने जेब में डाला था शायद गिर गया जब हम खेत गए थे। अब उसको ढूंढने भी जाना है तो रेस्ट करते ढूंढने जाएंगे। नेक्स्ट डे सेम व्लॉग। और जो मेरा स्पीकर था उसका जो डब्बा गुम हो गया था वो मिला नहीं और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा डब्बा नहीं मिला और मेरे गले की वजह से बैंड बजी पड़ी है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे अन्य के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। और मेरा